हरियर फ्रेंड, हम सभी देख रहे हैं सम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आस्क्ड इन रेलवेज एंड एसएससी एग्जाम्स के कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। और ये जो क्वेश्चंस है वो है फिजिक्स के, ठीक है। किसके क्वेश्चन है ये? जो है ये फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देख रहे हैं और वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, पहला क्वेश्चन जो है उसको हम देख रहे हैं। क्या दिखा है? एस आई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज डैश। देखिए, एस आई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप सभी ने फिजिक्स में पढ़ा भी है, इसके बारे में आपको पता होगा कि सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं। क्या क्या होता है? लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है, फिर बाद में क्या होता है, टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर, फिर उसके बाद करंट होता है, फिर उसके बाद से ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और लास्ट में होता है सब्सटेंस अमाउंट, ठीक है। सब्सटेंस अमाउंट होते हैं, तो इन सब की यूनिट मैं बता देता हूँ। लेंथ का एसआई यूनिट मीटर होता है, फिर उसके बाद से मास का केजी, टाइम का सेकेंड, टाइम का तो हर पद्धति सिस्टम में उसका सेकेंड ही होता है, फिर उसके बाद से अगर करंट का देखने जाए तो एम्पियर, टेम्परेचर का कैल्विन होता है और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडला होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है? कैंडला होता है, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है? कैंडला होता है, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। और भी अभी जैसे ये क्वेश्चन इसके लिए पूछ लिया, तो इससे रिलेटेड और भी जैसे यूनिट होते हैं, पावर का यूनिट देखिए वाट बताया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल क्वांटिटी होंगे जिसके यूनिट आपको याद रखने हैं, कि उसे उसमें से कोई एक का ऐसे यूनिट पूछ सकता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इफ़ अ बॉम्ब ड्रॉप फ्रॉम एन एरोप्लेन एक्सप्लोडेड इन अ मिड एयर। देखिए, अगर एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जब मिड एयर से, मतलब यहाँ पर सपोज डैट एरोप्लेन है, यहाँ से ड्रॉप करते हैं बम को, ठीक है, ड्रॉप करते हैं, तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम होती है, इसकी मैक्सिमम होती है पोटेंशियल एनर्जी। और धीरे धीरे क्या होती है, जब से जैसे नीचे आता है, जैसे जैसे ये नीचे आता है, वैसे वैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बढ़ती जाती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? कम होती जाती है। तो देखिए, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर इसका, कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बढ़ती जाती है, ठीक है, जैसे जैसे नीचे की तरफ गिरता है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है? थर्ड क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि फैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क इन अ क्रीम सेपरेटेड बिकॉज ऑफ डैश। तो वो किसके कारण होता है? वो होता है सेंट्रीफ्यूगल। आप देखेंगे कि उसको इस तरीके से घुमाया जाता है तो इसके साइड साइड में सेपरेट हो जाता है उसकी क्रीम, ठीक है, मिल्क के क्रीम सेपरेट हो जाते हैं साइड साइड में, और वो कैसे होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जो बाहर की तरफ फेंकता है। आप अगर आप देखे होगे तो आपको आइडिया होगा, इसका फोर्स बाहर की तरफ फेंकता है, ठीक है, बाहर की तरफ इम्पेलर ऐसे लगा रहता है जो क्या करता है, इसके बाहर की तरफ इसको फोर्स देता है, तो उसको बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो अंदर की तरफ फोर्स, जो अंदर की तरफ फोर्स अप्लाई करता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं, ठीक है। फोर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो मेल्टिंग पॉइंट आइस का क्या होता है? डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर। जैसे जैसे प्रेशर उसका इंक्रीज करते वैसे वैसे उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती जाती है? वो जो भी पॉइंट जो आइस के लिए अगर बात कर रहे हैं हम, तो आइस के लिए क्या होता है कि जैसे जैसे उसका प्रेशर इंक्रीज करते हैं उसकी मेल्टिंग पॉइंट घटती जाती है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट घटने का मतलब है कि कम टेम्परेचर पर ही वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं। रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाई। तो रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किए गए थे एच हेनरी बैक्यूरल ने किया था, हेनरी बैक्यूरल, और इसके साथ साथ मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी भी थे, लेकिन ज़्यादा मतलब इनका कंट्रीब्यूशन था इसलिए इनके नाम को देखते हैं एच बैक्यूरल, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए। इफ द टेम्परेचर इनसाइड, क्वेश्चन नंबर सिक्स, इफ द, जस्ट वन मिनट, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है? इफ द टेम्परेचर इनसाइड अ रूम इज इंक्रीज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बी। तो देखिए, टेम्परेचर जैसे ह्यूमिडिटी पहले क्या होता है ये हम पॉइंट को देखेंगे कि ह्यूमिडिटी होती क्या है। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है कि एयर में जो मॉइस्चर होते हैं,
एयर में मॉइस्चर होते हैं उसी को ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अब ह्यूमिडिटी बढ़ना मतलब मॉइस्चराइज उसके अंदर जितना ज़्यादा बढ़ेगा उसकी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। अब ह्यूमिडिटी कैसे रिमूव होगी, उसका टेम्परेचर बढ़ जाए तो वही चीज़ बोला कि अगर टेम्परेचर इनसाइड के जो है उसको इंक्रीज किया गया तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इन ट्रांजिस्टर द बेस इज, ट्रांजिस्टर में जो बेस होता है वो क्या होता है, एन एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर होता है। क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि नाइट्स आर कूलर इन द डिजर्ट देन इन प्लेन्स बिकॉज, उसका रीजन क्या होता है कि सैंड रेडिएट हीट मोर क्विकली देन द अर्थ। ये ऑप्शन राइट है, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है कि व्हेन वी हियर अ साउंड वी कैन आइडेंटिफाई इट्स सोर्स फ्रॉम, जब भी हम साउंड को सुनते हैं तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सोर्स कहाँ से है। तो उसके लिए द ओवर ट्यून प्रेजेंट इन द साउंड, जो साउंड में ओवर ट्यून होता है वो करेक्ट है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 9th का। 10 देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 10। अ बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, देखिए प्लेन मिरर के सामने अगर कोई लड़का खड़ा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, जैसे ये मान लीजिए कि ये प्लेन, ये आपका मिरर है, ठीक है, ये आपका मिरर है और यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है और कितना डिस्टेंस बोला है 3 मीटर हुआ, ठीक है, ये कोई बंदा है, ये कोई बंदा है जो 3 मीटर के डिस्टेंस पे इसके खड़ा है, तो उसका इमेज भी इधर 3 मीटर पे बनेगा, 3 मीटर पे उसका इमेज बनेगा, ठीक है, ये इमेज बनेगा। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, देखिए इमेज यहाँ पे जितने मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उतने ही इमेज का भी डिस्टेंस होता है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल 6 मीटर हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, एनर्जी इज कंटिन्यूसली जनरेटेड इन द सन ड्यू टू, किसके कारण होता है, तो वो न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हाइड्रोजन बम इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ, ये किसके बेस पे होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन के बेस पे होता है, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन की बात किया जाए तो समझ लेने का कि वहाँ पे सन के कारण जो एनर्जी जनरेट होती है या हाइड्रोजन बम है तो न्यूक्लियर फ्यूजन ही है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्या कह रहा है, द साउथ पोल ऑफ द अर्थ मैग्नेट इज नियर द ग्राफिकली, तो वो क्या होता है, नॉर्थ होता है, द साउथ पोल ऑफ द अर्थ मैग्नेट इज नियर द ग्राफिकली नॉर्थ होता है, ठीक है। नंबर ऑफ बेसिक एसआई यूनिटीज, तो एसआई यूनिट के बेसिक मतलब फंडामेंटल, अभी अभी मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में ही बताया, अभी यूनिट की बात कर रहा था, कितने नंबर ऑफ फंडामेंटल, अगर 7 है तो उसके यूनिट भी क्या होंगे, 7 होंगे, तो बी ऑप्शन इज द राइट, 14 का बी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द वायर हैविंग ए ग्रीन प्लास्टिक कवरिंग इज किस लिए होता है, द वायर हैविंग ए ग्रीन प्लास्टिक कवरिंग किस लिए होता है, वो अर्थ वायर के लिए होता है, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 को हम देख लेते हैं। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन इज, अब देखो वॉशिंग मशीन अगर आप देखे होंगे तो उसमें भी कैसा होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन ही होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। साउंड एंड लाइट वेव्स बोथ आर, अब ये कैसे होते हैं, तो वो होते हैं ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे तो क्या कह रहा है, इन एन इलास्टिक मोटर द एनर्जी ट्रांसपोर्ट इज, अब देखो इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, किसको करता है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल, तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओ कि जो डायनेमो होता है, इसके प्रीवियस वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन करके बताया कि डायनेमो जो होता है वो क्या कर देता है, वो आपके मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, इन्फिनाइट होगा, क्या होगा, इन्फिनाइट होगा, ठीक है, फोकल लेंथ
इन्फिनिटी होती है। फिर बाद में देखिए, अभी 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 मैंने बताया कि अ डायनमो कन्वर्ट्स ऑब्वियसली मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन ओवन, ओवन में कौन सा, माइक्रोवेव्स। आप देखने जाओगे अगर ऐसे ओवन अगर लेने जाते हो तो उस पर लिखा रहता है माइक्रोवेव्स, तो इससे भी आपको काफ़ी आइडियाज मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, डेसिबल इज द यूनिट ऑफ, तो किसका होता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड का होता है, ध्यान रखना, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या 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 कह रहा है, द ओजोन लेयर इन द एटमोस्फेरिक इज एट अ हाइट ऑफ अबाउट, कितने हाइट पर ओजोन लेयर है, तो वो है आपका 50 किलोमीटर, ठीक है, 50 किलोमीटर, मतलब इतने ऊपर तक ओजोन लेयर है, ठीक है। स्टार्टिंग तो उसका 10 to 17 किलोमीटर वो ही अर्थ सरफेस से एक्सटेंड अप टू 50 किलोमीटर होता है, 10 to 17 किलोमीटर ओजोन लेयर स्टार्ट हो जाता है, और कहाँ तक होता है, 50 मीटर तक होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, अ कैमरा यूज एज टू फॉर्म अप एन इवेंट इमेज ऑन एन पीस ऑफ फिल्म एट द बैक, तो वो क्या होता है, कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, कन्वेक्स लेंस। उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, 3 मेन पार्ट्स होते हैं, जैसे द बॉडी विच इज लाइट टाइट एंड कंटेंस ऑल द मैकेनिकल पार्ट, सेकेंड है द लेंस विच इज ए कॉन्वेक्स लेंस, एंड थर्ड है द फिल्म और चेंज कपल डिवाइस इन द केस ऑफ ए डिजिटल कैमरा। फिर नेक्स्ट है, न्यूटन इज यूज टू मेजर ऑफ फोर्स, फोर्स का ये यूनिट है, ठीक है, फोर्स को मेजरमेंट करने के लिए न्यूटन का यूज किया जाता है, ये आपने देख लिया। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 16 देख लिए, एक्सरेज आर डैश वेव, अभी अगर आप फिजिक्स के वीडियो देखें तो उसमें मैंने एक्सप्लेन करके बताया कि एक्सरेज जो होता है, एक्सरेज हो, गामा रेज हो, ये सभी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, ध्यान देना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, कि गामा रेज, रेज जितने हैं सभी क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं, ध्यान देना। नेक्स्ट है, द टेक्निकल यूज बाई बैट्स टू फाइंड देयर वे और टू लोकेट फूड इज, उसको बोला जाता है इकोलोकेशन, ध्यान देना, द टेक्निक यूज बाई बैट्स टू फाइंड देयर वे और टू लोकेट फूड इज इकोलोकेशन बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, इकोलोकेशन। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला है, द रेडियन पर सेकेंड इज यूनिट ऑफ, देखिए रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर अगर होता तो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, यहाँ पे एंगल वेलोसिटी होगी, इसकी क्या होगी, एंगल वेलोसिटी होगी, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 तो क्या कह रहा है, विच लॉ स्टेट द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग, तो वो क्या, डॉपलर तो नहीं होता है, डॉपलर क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट होता है कि जैसे कोई आवाज़ दूर से अपनी तरफ आ रही है, तो जैसे जैसे वो आवाज़ हमारी तरफ नज़दीक आती जाती है ऑब्जेक्ट, तो उसकी आवाज़ तेज़ होती जाती है, तो इसी इफेक्ट को बोला जाता है डॉपलर इफेक्ट। तो ये जो डिफरेंस की बात कर रहा है वो कौन सा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द, जो साउंड का लाउडनेस होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, होता है एम्पलीट्यूड के ऊपर, किसके ऊपर, एम्पलीट्यूड के ऊपर। SI यूनिट ऑफ टाइम, ये आपको पता ही है, किसी भी सिस्टम में अगर टाइम का यूनिट पूछता है तो सेकेंड ही बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 32 में क्या हुआ, SI यूनिट ऑफ द सरफेस टेंशन, तो न्यूटन पर मीटर होता है, फोर्स अपन लेंथ होता है, तो न्यूटन पर मीटर होता है, तो न्यूटन पर मीटर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 33 क्या होता है, अ प्लेयर मेकिंग ए लॉन्ग जंप इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखो कैसे होता है लॉन्ग जंप, कैसे होता है, इस तरीके से जंप करके और इस तरफ आते हैं, तो ये कैसा होता है, ये जो मोशन है कैसा है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन है, कैसा है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं, द एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ध्यान देना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर वेलोसिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड की बात करें तो डिस्टेंस, ये पॉइंट को हमेशा नोट करके रखना। 35 में रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज एंड गामा रेज आर क्लासिफाइड एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आपको अभी इसके पहले भी क्वेश्चंस में मैंने एक्सप्लेन करके बताया, तो ये क्या होता है आंसर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो अ रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, तो वो क्या होता है, वो होता है लीनियर मोमेंटम का, ध्यान देना लीनियर मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, साउंड वेव्स इन एयर आर, साउंड वेव्स इन एयर आर, तो क्या होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या है, लॉन्जिट्यूडनल, साउंड वेव्स क्या होता है, लॉन्जिट्यूडनल होता है, और लाइट होता है वो ट्रांसवर्स होता है, ध्यान देना। फिर 38, हु एमंग द फॉलोइंग इज द स्केलर क्वांटिटी, इनमें से स्केलर क्वांटिटी, देखो फोर्स भी नहीं है, वेलोसिटी भी नहीं है, एक्सेलरेशन भी नहीं है, तो प्रेशर इज द राइट आंसर। साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज इंफ्रासोनिक बोला जाता है, और 20 से 20,000 हर्ट्ज ऑडिबल साउंड होता है, एंड 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है तो उसको अल्ट्रासोनिक साउंड बोला जाता है, तो ये पॉइंट को ध्यान में रखना। तो टोटल 39 क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर्स के जो रेलवे और एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं जनरल साइंस से रिलेटेड, फिजिक्स के पार्ट का, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो आप उसे देखते रहिए, समझते रहिए और अपने फ्यूचर को ब्राइट करते रहिए। जो इसको पूरा देखेगा उसे ही समझ में आएगा कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप रेगुलर बेसिस पे देखते रहिए कि ताकि इसका बेनिफिट आप ले सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।